पिचतिन नमूने उतरो उतरो, कहाँ चढ़ जाते हो? देखते हैं इनके अंडे, हमने सबसे पहले तो मारेगा नहीं। तो पानी है और गाँव नशे तो बनी हुई है लेकिन हिल नहीं है, देखो बहुत भारी भारी सा हो रहा है। रख दे भाई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो यार सेटअप पे आ गए हमजा और मैं, आज खाना वाना लेते हुए आए डायरेक्ट। ये देख कैसे आई हो फौरन, रखो तुम ये रखो, मैं यार ये रैबिट को डाल दूं पहले। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक मेरी तरफ से। खैर यार सारों को दाना पानी डालें, और आज बहुत लेट हो गया मैं कामों के चक्कर में बहुत सारे। तो खैर यार ये मैं पहले डालूं रैबिट को, क्या डाल लो? छिलके डाल लो पहले, चलो पहले छिलके खाने दो फिर मैं ये डाल दूंगा इनको। अभी ऊपर रख रहा हूँ ये मैं, अभी तुम यहाँ रहो। पिचतिन नमूने उतरो उतरो, कहाँ चढ़ जाते हो? भगा दिया इतने रैबिट को यार, इससे भागने रैबिट तो भाग रहे रैबिट हमारे राजा से। चलो राजा उधर चले आओ, भले आ गए बाहर आ गए। चलो भाई दाना आना खाओ अपना। खैर यार हमजा जो है दोस्तों वो दाना खा रहा, इनका एक जगह बना ले, रोटी भी भिगो दी, और आज तो माशाल्लाह काफी ज्यादा दाना हो गया और रोटी भी हम लेकर आ गए। मतलब आज इनके बहुत ज्यादा खाना आ गया माशाल्लाह से, मतलब ओवर बन गया बहुत ज्यादा, क्योंकि हमें पता नहीं था कि नीचे भी इतना सब कुछ पड़ा हुआ है, और रोटी भी हमने जो है वो ज्यादा भिगो दी थी। खैर दोस्तों यार आज मैं एक चीज आप लोगों को बताता चलूं, मेरे हमारे ये समझ नहीं आ रहा हमजा और मेरे कि हमारे जो लुटीना है ना यार, ये देखें दोनों अंदर बैठे हैं, कोई भी बाहर नहीं है। पर बात ये समझ नहीं आ रही कि इन्होंने अंडे दिए हैं नहीं दिए हैं, और झांके कहाँ से हम, क्योंकि कोई झांकने में भी नहीं आ रहा। लेकिन खैर नहीं दिए क्या, तुम्हें कैसे पता? नहीं यार। लो भाई हमदा से कंफर्मेशन मिल गई दोस्तों, वो बोल रहा है सुबह जब मैं देखा था तो ये जोड़ मार रहे थे, यानी कि अंडे नहीं दिए। खैर दोस्तों मेन मेरा आज का काम ये था कि हमारे पास जो हमारे जितने भी हैं मुर्गे मुर्गियां और कबूतर, इनमें से सिर्फ हमारे पास भी दो चीज अंडों पर बैठी हुई है। एक जो है वो ये हमारा कबूतर का जोड़ा, और एक जो है वो ये हमारी मुर्गी जिसके नीचे हमने दूसरे अंडे रखे हैं, और एक जो है हमारे ये वाले सेटल नेट कबूतर। तो इनके अंडे चेक करने यार आज हमने, और इनकी कैंडलिंग करनी है। तो देखते हैं यार कि इनके अंडे सही हैं या नहीं। बाकी यार अगर अब भी नहीं हुए ना सही, तो दोस्तों मेरा इनसे दिल उठ रहा है यार इन वाले कबूतरों से। ये हो गए ये हो गए, बल्कि तकरीबन जितने हमारे पास जोड़े हैं यार, समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, किस तरीके से इन जोड़ों की कहानियाँ चल रही हैं। खैर मैं देखता हूँ फिर भी दोस्तों इनका, कि अगर ये सही रहे तो ठीक, नहीं तो इनकी कोई और जगह बना के और वहाँ पे ना दूसरे जोड़े लाएंगे हम। तो यार दोस्तों सबको दाना पानी तो कर दिया हमने, बाकी अब मैंने आपको बोला था कि इनके अंडे चेक करने हैं आज कैंडलिंग। देखते हैं इनके अंडे, हमने सबसे पहले तो मारेगा नहीं। गरम हो रहे हैं, देख चेक करो। टॉर्च है? मोबाइल? मोबाइल यार जेब में हो शायद, टाइम तो हो गया इनको थोड़ा बहुत यार। देखते हैं यार दोस्तों इसमें इनका कोई है आसरा या नहीं। तो पानी है तो यार ये तो खराब हो गया बिल्ला है। देख यार ये दिखा रहा ऊपर घुमा और घो, नशे तो बनी हुई है लेकिन हिल नहीं है, देखो हिलता हुआ फील हो रहा है कुछ। ये देखो अंदर कुछ ज्यादा दिन नहीं होने संडे को, कितने दिन होगा, बहुत भारी भारी सा हो रहा है। रख दे भाई ये वाला, रख देता हूँ दोनों रखो फिर, एक नहीं दोनों रखो, छोड़ देंगे। चलो अभी रख देते हैं और क्या कर सकते, मेरे हिसाब से खराब है ये दोनों, दो दिन और रखते हैं। टाइम कितना हो गया यार? तकरीबन 11 दिन अभी हम ना काम हुआ, 11 दिन हुए फिर रख दे, 11-12 दिन हुए, मैंने बोला चेक तो करें इससे आज दोनों को रख दे। काट नहीं रहा बड़ी बात है, अभी देखना कैसे काटे। नहीं कर नहीं कर, तोड़ देगी तोड़ देगी। चलो यार चेक तो कर लिया ना, ये तो पता चल गया ना कि कोई उम्मीद नहीं है इनकी। खैर चले दोस्तों यार रैबिट के बच्चों को देगा नहीं ना, खाना सारा चेक तो करें इनको। एक टाइम सुबह मैंने जैकी से फीड कराई है, बस अब सही से फीड मैंने करानी है। अरे क्या था, सही है सेट है सही है। तो यार मैं थोड़ी देर में दोस्त एक काम करता हूँ, मैं पहले इन्हें फीड कराता हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं। अब वो देखो कहाँ चढ़ गया, देख के नहीं आ जाएगा, आ जाएगा आ जाएगा ना, बस ठीक है। आओ भाई यार मुर्गियों को साथ खोल दिया हमने, हीरा के साथ खोल देते हैं, बंद नहीं करते अब दोस्तों, अब साथ खोलते हैं, क्योंकि हमारे जो हीरा ना माशाल्लाह उसकी कुरिस पूरी होने वाली है, और तकरीबन पूरी हो गई है। अब सीधे पर जो है इसके सफ़ेद आ रहे हैं तेज, हमने ये बाजरा खाएगा थोड़ा, ऐसे नहीं करेगा ये। हाँ देख वो पहले आ जाती है मोहतरमा, तुम्हें अलग से खिलाऊंगा, चलो उधर जाके अपना खाना खाओ, दूसरों के खाने पे नजर रहती है तुम्हारी, एक तुम भी नहीं आती हो, कहाँ घुस रही हो मोबाइल में।
यहाँ मुझे डर लगता है काट ना ले। लेकिन देखिए ना हमारी बड़ी मासूम है, ये देखें मम्मा है चार बच्चों की, और ये तो हमारा नर है। और दोस्तों मैंने आप लोगों से पूछा था कमेंट में बताएं कि हम सेल आउट कर दें और ब्लैक लें या फिर वाइट लें, रैबिट जो लें वो ब्लैक लें या वाइट, तो मुझे लाजमी कमेंट में बताएं। तो यार दोस्तों मैं तो जैकी को दूध पिलवाने के लिए यहाँ पे लेटाता हूँ, लेकिन आप देखें जैकी इतनी अच्छी है, खुद जो है फीड कराती है बच्चों को। ये देखें ये जैकी है हमारी, और सारे बच्चे नीचे घुसे में, एक हो रहा ब्लैक एंड वाइट हो रहा, बाकी नीचे घुसे में तीन। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है, ये होनी चाहिए। तो इस वजह से जैकी जो है ना एग्रेसिव नहीं है, जब भी मुझे अच्छी लगती है तो हम ऐसी ही मादा कोई लाएंगे जो यार तरीके से ना फीड कराती हो। सारी बच्चे खोल लिए हैं भाई हमने, और आ जाओ भाई जाओ नहाओ। यार इसकी टांगों में हमारे को थोड़ा और था, ये देखें टेढ़ी लग रही थी, ये देखें इसकी ना थोड़ी सी दोस्तों, ये हमारे कंधारी की, अब ये नर है मादा है क्या है, लेकिन इसकी जो टांगे है ना ये पंजे वो टेढ़े हैं। तो हमें किसी ने बताया कि आप लकड़ी लगाओ किसी तरीके से, पता नहीं कैसे के बांध के, तो इसकी टांगे ना सेट हो जाएंगी। तो ये तजुर्बा हम देखेंगे पहले, क्योंकि ये ना हो ना कि मुर्गा मुसीबत में आ जाए, दर्द में आ जाए, तकलीफ में आ जाए और उससे मर भी जाता है। हाँ वही मतलब उंगलियां टेढ़ी हैं, मैं टांगे बोल रहा हूँ उनसे निकले यार अल्फाज। तो इसकी उंगलियों पर हमने बहुत ध्यान देना है, हो जाएंगी सेट वैसे हम अगर लकड़ी लगाए। कोई एक भाई बता रहे थे कि वो किसी भाई ने बताया कि ऐसे ऐसे करोगे तो सेट हो जाएगी पता नहीं क्या, तो दोस्तों अब कुछ पता नहीं है, देखते हैं। ये देखें दोस्तों इस टाइप की उंगलियां हैं, तो अगर इसका कोई इलाज हो तो मुझे लाजमी कोई भाई बताए। हमारा जो कंधारी बच्चा है ना इसकी उंगलियां काफी टेढ़ी हैं, तो किसी भाई को भी इलाज पता हो तो लाजमी कमेंट में बताएं, मैं वो करने की कोशिश करूंगा। तो यार हमजा जो है वो ढक रहा है अब सारों को, इनको भी ढक दिया, इन्हें भी ढक दिया, इन्हें भी ढक दिया। बाकी दोस्तों हमारी जो कुड़क मुर्गी है ना यार, उसको मैं आप लोगों को एक चीज दिखाऊं, वो माशाल्लाह से अब जो है ना बहुत ज्यादा पक्की वाली कुड़क हो गई है, क्योंकि ये देखें हम पर्दा हटाते रहते हैं तब भी नहीं उठती, और ये देखें अंधेरा आ रहा है थोड़ा, ये देखें ये भाई उठती नहीं है, इसको सुबह भी मुझे उठाना पड़ता है दोस्तों जबरदस्ती कर करके, वरना तो ये बोलती है भाई मुझे उठना ही नहीं अंडों में से। खैर यार इसके लिए दुआ करें दोस्तों कि जल्द से जल्द बच्चे निकाल दे यार, हमारे को बाकी बैड न्यूज ही सुनते मिलने रहती है, कभी किसी के अंडे खराब, कभी किसी के, मेरी ना बच्चे निकल ही नहीं पा रहे, सिर्फ रैबिट के बच्चे आए हमारे पास, सिर्फ रैबिट के बच्चे आए वरना और किस चीज के आए। यार हमजा इन्होंने फीड की थैली फाड़ दी, अरे यार चलो बे यार, ये मेरी अभी नजर पड़ी, मैं यही बोलूं तुम कुछ बोल ले हो पता नहीं क्या, इसको हटा इसको हटा। यार पूरी फीड की थैली फाड़ दी है दोस्तों इन लोगों ने हमारी, वो देख कहाँ चढ़ के बैठा हुआ वो खाने, इसको पकड़ो और कुदाओ नीचे, हाँ कुदाओ इसको नीचे, इसके लगे पड़े मजे। पूरी फीड की थैली, पूरी छोलों की थैली फाड़ी हुई है इन्होंने, मैंने हाथ डाला ना ऊपर से चला गया हाथ में ना, ये क्या है पूरी थैली फटी हुई है। खैर दोस्तों ये देखें ऐसे आप लोग भी भिगो के ना इन्हें छोले खिलाएं अपने मुर्गे को मुर्गियों को, वो हीट अप पर आएंगे और इनकी जान ना बहुत अच्छी हो जाती है। तो मैं डेली भिगो देता हूँ, आप लोग भी ये करना शुरू करें, लाजमी फायदा होगा आप लोगों को। खैर दोस्तों आज बहुत ज्यादा लेट हो गया था मैं, खैर हो जाता है कभी कभी, मेरे को ऐसे मगरिब होती नहीं है पर दो तीन दिन से हो रही है, क्योंकि यार मैं फंसा पड़ा हूँ अपने कुछ कामों के चक्कर में और एजुकेशन की वजह से भी, क्योंकि पढ़ाई भी साथ साथ रखनी है लाजमी, पढ़ाई में दोस्तों छोड़ नहीं सकता तो आप लोगों को पता है, तो लाजमी वो भी रखनी है। पर मैं कुछ भी करके टाइम निकाल के दोस्तों व्लॉग बना लेता हूँ, और ना एक चीज़ और वो है कि मेरे व्लॉग आजकल लेट हो जाते हैं, मैं वैसे 2 बजे अपलोड कर देता था सुबह, पर अभी आजकल मुझे 6 बज जाते हैं और 9, 9, 11 भी बज रहे हैं अपलोड करने में, तो उसके लिए माजरात बेहद सॉरी। और बाकी दोस्तों एक चीज़ बोलनी थी यार, सपोर्ट करें आप लोग, मुझे बड़ी ज़रूरत है ताकि मैं यार बिग केज बना सकूँ, और उसमें बहुत चीज़ें मैंने सोची हैं, बस सपोर्ट की ज़रूरत है। सही से सपोर्ट मिलेगी इंशाल्लाह, जब चैनल और आगे बढ़ेगा तो मैं बहुत चीज़ें करूँगा। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल गर्मे शौक को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक नए व्लॉग के साथ, अभी के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज, टाटा बाय बाय।